जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी डिफेंस न्यूज़ में। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। ये खबर भारत की शान कही जाने वाली मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर है। दोस्तों, अगर ये न्यूज़ सच हो जाती है तो फ्यूचर में युद्ध लड़ने के मायने ही बदल जाएंगे, क्योंकि भारत के पास वो ताकत आ जाएगी जिससे भारत के दुश्मनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस फ्यूचर वेपन से हम कई ब्रह्मोस दाग सकेंगे। तो दोस्तों, इस खबर को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मोस के UCAV वेरिएंट की। ये एक ऐसे ड्रोन होगा जो सुपरसोनिक स्पीड से ब्रह्मोस को दुश्मनों पर दाग सकेगा। खबर यह है कि हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मोस को ऐसे डिज़ाइन करना चाहते हैं कि वे दुश्मन को मिसाइल कम और ड्रोन ज़्यादा लगे। इसी ड्रोन से हम कई ब्रह्मोस दुश्मनों पर दाग सकेंगे। ये एक तरह का रीयूजेबल व्हीकल होगा जिसमें कुछ टेक्निकल बदलाव किया जाएगा। इसमें टर्बोफैन की जगह रैमजेट इंजन लगाने पर विचार हो रहा है ताकि ये ज़्यादा ब्रह्मोस मिसाइल लेकर सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सके। दोस्तों, इस पर कुछ बुद्धिजीवियों का ये कहना है कि जब हम सुखोई से ब्रह्मोस दाग सकते हैं, वारशिप से ब्रह्मोस दाग सकते हैं, तो अलग से ड्रोन की क्या आवश्यकता है। तो इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि एक फाइटर जेट और एक वारशिप दुश्मन के निश्चित इलाके तक ही जा सकते हैं, वह उतना अंदर तक नहीं जा सकते जितना कि एक ड्रोन जा सकता है। अगर हम बात करें ड्रोन की, तो कुछ ड्रोन ऐसे भी अभी सर्विस में हैं जो दुश्मन देश के अंदर ही चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी आहट भी दुश्मन देश को नहीं लग पाती है, क्योंकि ड्रोन का काम ही यही होता है कि दुश्मन को बिना पता लगे उसके घर में घुसकर उसे ख़त्म कर दिया जाए। यही बात है कि HL ने तेजस बनाने के बाद अब वॉरियर ड्रोन बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां हमारे फाइटर जेट हमला नहीं कर सकते, वहां पर ये ड्रोन ब्रह्मोस से हमला कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि ये अभी कॉन्सेप्ट बेस है जिस पर काम अभी शुरू है या नहीं, क्योंकि यह एक प्रोजेक्ट है और ये दुनिया के लिए एक नया कॉन्सेप्ट भी होने वाला है, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने सुपरसोनिक स्पीड वाले ड्रोन नहीं बनाए हैं जो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल दाग कर वापस आ जाएं। अगर ये टेक्नोलॉजी भारत के पास आ जाती है तो कोई भी रडार इसे नहीं पकड़ पाएगा और दुश्मन देश में घुसकर हमला कर सकेंगे। हो सकता है कि जल्द ही फ्यूचर में हमारे वैज्ञानिक इस प्रोजेक्ट पर कोई अच्छी खबर दें। दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और सुरक्षा बलों के सम्मान के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।